आज आपको मिलाने जा रहे हैं एक होनहार बेटी और ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाली ऐसी महिला से, जिसने अपने पिता के सपने को पूरा करने और पर्यावरण को बचाने के लिए शुरू की जैविक खेती। संगरूर की ये महिला फार्मर का नाम है प्रियंका गुप्ता। तो जब आप उगाना शुरू करते हो, आपके पास लोग अपने आप आएंगे जब उनको पता चल जाएगा कि आप ऑर्गेनिक खेती कर। पापा का ये है कि उनकी पेंशन तो जरूर इसमें जाती है, बट आई नो ही इज हैप्पी। ट्रेनिंग्स का जो मौका मिलता है मैं नहीं छोड़ती हूँ। बिस्किट्स बनाने से लेके बी फार्मिंग की ट्रेनिंग से लेके स्क्वैश तक की ट्रेनिंग मैंने सब करी है। प्रियंका गुप्ता सिर्फ सब्जियां ही नहीं उगाती बल्कि उनकी प्रोसेसिंग भी खुद करती हैं। जानिए इस वीडियो में कैसे रहा उनका ऑर्गेनिक खेती करने का सफर। प्रियंका जी, सबसे पहला सवाल ये है कि जो बेटी रहती है घर की, लक्ष्मी रहती है, उसका सबसे बढ़िया काम यही रहता है कि घर पे रहकर खाना पकाए। लेकिन आप खेतों में काम कर रहे हैं और आपने MBA फाइनेंस किया है, लेकिन आप खेती करें ये कैसे? एक तो मेरे फादर ने मुझे ये चांस दिया, ही ऑलवेज ट्रस्टेड कि हाँ लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए। तो उन्होंने मुझे MBA उस टाइम में कराया जब लोग शादी कर देते हैं, बनियों में तो वैसे ही बहुत जल्दी कर देते हैं। तो मतलब उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट दिया है। तो उसके बाद जब शादी के बाद मैं काफ़ी देर हाउसवाइफ रही, उसके बाद जैसे जैसे केमिकल्स का इंटेक बढ़ता जा रहा है, लोग उतना ही डाल रहे हैं धरती में, इतना नहीं है कि जितना चाहिए उतना डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा डल रहा है। तो जब फादर ने कहा कि हम इसको कमर्शियल लेवल पे करते हैं, तो मुझे लगा ये एक मौका है कि मैं अपनी बात दुनिया तक ला सकती हूँ। और आज अपनी खेती के ऐप के कारण कई लोग मुझे फ़ोन करते हैं जो मैं उनको बता पाती हूँ कि ये नहीं ठीक है। और कितने लोग हैं जिन्होंने तो अपने खेतों में खाद डाले भी बरसों हो गए उनको, 15-15 साल। अगर ऐसे ही चलता रहा तो और 2 सालों में तो खेती बंद हो जाएगी, जैसे हम आग लगा रहे हैं चावल काटने के बाद। तो मुझे अपनी बात कहने के लिए एक चाहिए था, तो मैंने वो अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ी है। हमारे को ठीक है, हम खर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, हमको उसको मीट भी करना है, तो वी डू ऑन फार्म प्रोसेसिंग ऑल्सो। ठीक है, अच्छा लग रहा है, अपनी क्रिएटिविटी बाहर आती है और तो, लोग जब अप्रिशिएट करते हैं तब तो बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा प्रियंका जी, सबसे बड़ी बात ये रहती है कि शादी होने के बाद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। वैसे भी आप लुधियाना में अभी मैरिड हैं, आपका जो फॉर्म है, आपके पिताजी का फॉर्म है मदर अर्थ के नाम से, वो संगरूर में है, तो इतना ऐसे कैसे मेंटेन कर पाते हैं जी आप इसको? देखिए, 1 घंटे का रास्ता है संगरूर और लुधियाना का, तो मैं हफ्ते में 2-3 दिन यहीं पे रह जाती हूँ संगरूर, और बाकी के 4-5 दिन लुधियाना में होती हूँ। तो उतने में मुझे नहीं लगता, अगर थोड़ा सा टचवुड, मेरे पास इतनी अच्छी हेल्प्स हैं जो टचवुड फेरीज हैं मेरे लिए, जो मैं फ़ोन पे भी अपना मेंटेन कर लेती हूँ काम। अच्छा, तो आपने जो पढ़ाई की थी, आपने जो MBA फाइनेंस की बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल इससे एकदम मेल नहीं खाता। खेती की बात करें, खासकर ऑर्गेनिक की बात करें, तो इसको, इसके आपने कुछ सीखा है कहीं से कि आपने ट्रेनिंग ली है उसके बाद, जब आपके पिता को देख देख के यार अपना कर? खेती का तो जितना कुछ है वो तो पापा से ही है, पर जो बाकी का काम है उसकी मैं ट्रेनिंग कैरो किसान घर से लेती रहती हूँ। कैरो किसान घर में मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है और वहाँ का ऑर्गेनिक विंग में भी है। खेती विरासत मिशन है, उनके साथ भी जुड़ी हुई हूँ, वो भी जब कोई ट्रेनिंग्स आते हैं वो भी मेरे को सिखाते रहते हैं। ट्रेनिंग्स का जो मौका मिलता है मैं नहीं छोड़ती हूँ। बिस्किट्स बनाने से लेके बी फार्मिंग की ट्रेनिंग से लेके स्क्वैश तक की ट्रेनिंग मैंने सब करी है, और अभी भी अगर वो दोबारा मिलती है मुझे तो मैं वो दोबारा भी करती हूँ। हमारे यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, हल्दी मिलेगी, मौसम का जितना सामान है वो सब मिलेगा, मिर्चों के मौसम में मिर्चें भी मिलेंगी। तो हम लोग यहाँ पे मूंगी लगाते हैं, माँ लगाते हैं, मक्की है, ठीक है, तो हमने मूंगी से दली हुई मूंगी तो बना ही लेते हैं, हमने पीली दाल भी बनानी सीख ली है, चने की दाल, बेसन, चने का आटा, हमने एक चीज से 4-4 चीजें बना दी हैं वैरायटी देने के लिए कि लोगों के पास वो ऑप्शन है। और टच वुड, भगवान की कृपा है कि मेरे को जो अगला सीजन आना होता है उससे पहले मैं आई एम डन विद, मेरा वो बिक चुका होता है। पंजाब की जो किसानों की बेटियां रहती हैं उसको भी इतना पता नहीं रहता जितना आप बता रहे हैं, तो अभी इसके साथ और क्या है? जैसे आपने प्रोसेसिंग की बात की है, कैसे आप अचार बनाते हैं, स्क्वैश कैसे बनाते हैं, तो थोड़ा सा वो भी हमारे दर्शकों को बताइए जी। अचारों के लिए जितना कुछ भी है, जैसे यहाँ पे आके MBA काम आती है क्योंकि मैं अपना इंटीग्रेट किया हुआ है सारा कुछ, मैं खुद सारा कुछ उगाती हूँ। अगर अचार बनाना है तो लाल मिर्ची खुद उगाई हुई है, हल्दी अपनी है, कलौंजी अपनी है, राई अपनी है, ठीक है, सौंफ अपनी है, मेथरे अपने हैं। हाँ जी, तो मैं
खुद से सारा कुछ उगाने के बाद ही उसी पे ट्रस्ट करती हूँ, मैं मार्केट से लेने वाले सामान पे ट्रस्ट ही नहीं करती हूँ। तो मैंने खुद उगाया हुआ है और हल्दी का अचार बनाते हैं, जो कुछ सामान हमारे पास खेत पे अबेंडेंस में है हम उसका अचार बनाते हैं। कच्ची हल्दी का अचार बहुत लाइक करते हैं लोग और वो हेल्दी भी बहुत है, मतलब हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, नीज के लिए बहुत अच्छा है। और उसके अलावा हम लहसुन का अचार बनाते हैं, जैसे मिर्चें आती हैं मिर्चों का हम अचार नहीं बनाते क्योंकि वो हमारे को अचारों में चाहिए, हम उसको सुखा के पिसाते हैं। ठीक है जी। तो बाकी हम मेथी जब बहुत अबेंडेंस में होएगी तो हम उनको भी सुखा के ड्राई मेथी भी सेल करते हैं, हम उसमें भी हमने चेंज कर दिया, हम 5 तरह के पत्ते सुखाते हैं, मेथी, पालक, मेथरे, सरों भी सुखा देते हैं, हालो लगाई हुई है वो भी सुखा देते हैं, जबकि हालो तो लोग भूल ही चुके हैं कि एक पंजाबी हमारे सभ्याचार में कितना खाते थे लोग। जैसे प्रियंका जी हम बात कर रहे हैं कि जो ऑर्गेनिक खेती है बहुत सारे लोग करना चाहते हैं लेकिन सबसे बड़ी समस्या आ जाती है कोई भी फसल हो उसका मंडीकरण की प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसका क्या है जी, उसके लिए बताइए जरा। मंडीकरण, मैं तो अपनी मंडीकरण खुद अपने हाथ में ही ली हुई है, बाकी बहुत हैं, खेती विरासत मिशन है, पंजाब यूनिवर्सिटी वाले, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाले हैं, वो हेल्प करते हैं, तो उसके सर्टिफिकेशन लेने पड़ते हैं तो वो हेल्प करते हैं, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि लोग अच्छा मांग ही रहे हैं। तो जब आप उगाना शुरू करते हो आपके पास लोग अपने आप आएंगे, जब उनको पता चल जाएगा कि आप ऑर्गेनिक खेती कर, इतना टेंशन वाली तो मेरे को नहीं लगता कोई चक्कर है। आपके पिताजी बता रहे थे कि हमारी पेंशन का बहुत सारा पैसा भी इसमें चला जाता है, तो इसके यही कहीं से कहीं लोगों के दिमाग में एक कंसेप्ट फंसा हुआ है कि अगर हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो उसकी जो मूल्य रहता है, जो लोगों के पास पहुंचना है, वो कुछ कॉस्टली रहता है, तो आपको भी क्या ऐसा लगता है कि ऐसा है कुछ? देखिए, जो ऑर्गेनिक खेती है उसमें उतनी प्रोडक्शन नहीं होती क्योंकि मैंने तो कीड़ा आया है स्प्रे करना है, अगर बच गई तो बच गई, फसल चली गई तो चली गई। और आपके सामने खेत में कितने लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, जो इनऑर्गेनिक खेत हैं वहाँ पे तो सारा दिन में कोई नहीं आता है, तो हमारा लेबर चार्जेस तो है ही है, प्लस जो हमारा खेत अपना लीज पे है इसका हमारे को ज्यादा ड्रॉबैक है बिकॉज हमको वो लीज के रुपए भी करने हैं। पापा का ये है कि उनकी पेंशन तो जरूर इसमें जाती है, बट आई नो ही इज हैप्पी। ये गोबर की खाद तैयार करी है हमने कच्ची गोबर से, इसके अंदर हम वेस्ट डिकम्पोजर का स्प्रे करते हैं और ताकि इसके अंदर गंडोए आ जाएं, और फिर ये खाद जो है ये खेत में हम डालते हैं। इसके अंदर हमने जो मक्की काटी है उसको भी डाला हुआ है, जो ज्वार काटा था उसका भी डाला हुआ है, जितना कुछ भी हम खेत में काटते हैं उसका कुछ हिस्सा यहाँ पे रख लेते हैं। यहाँ पर ऑर्गेनिक खेती की जाती है, वह भी घर के तरीकों के साथ उसको प्रोसेस करके लोगों तक पहुँचाया जाता है। यह सपना देखा था बीडी बांसल जी ने। आज हमारे साथ बीडी बांसल जी, हम उनसे पूछते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है अपनी खेती में। थैंक यू। सर, ये बताइए कि आपने ये कैसे सोचा, क्योंकि आप इंजीनियरिंग की हुई है आपने और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जॉब कर रहे थे, तो आपके मन में ये ख्याल कैसे आया कि ऑर्गेनिक खेती की जाए? बिजली बोर्ड नौकरी करते थे ना उदों, ना कई जगह से सूँ काफ़ी बड़े बड़े मकान मिल जाते थे, उ फिर जिन्ना भी सब्जियां सुब्जियां होंगे सारियाँ लगभग उगा ले। फिर उस रिटायरमेंट तो बाद 2006 में रिटायर होया बिजली बोर्ड तो, इतने मकान बना लिया संगरूर, उत्थे प्लॉट सारे खाली पे थी, उन्होंने प्लॉटा च स्टार्ट करता। तो उस टाइम तो मैं कमर्शियल नहीं करता थी, उस टाइम तो मैं जो भी पैदावार होंगी थी सब बंड बुंडा थी फ्रेंड्स रिश्तेदार जितना करके, उस बाद फिर हौली हौली मैं उन्हें कमर्शियल 4 acres जमीन ली जिते इतने कर रहे हैं, यह तीजा साल है इस जमीन से। मैं जरा खेतीबाड़ी के इतने अपनी पैदावार वाल ध्यान दिना, स्प्रे करना, खादी खाद पानी है, कि घोल तैयार करना, सारा कुछ मैं कर ला। बीडी बंसल जी ने हमें बताया कि अगर आप अपनी ज़मीन के ऊपर ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। ऐसे ये अभी ठेके पर ज़मीन लेकर ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, तो इनकी अभी कुछ सेहत की बात कर रहे हैं तो अच्छी तरह से नहीं चल रहा है, तो अब ये सुपरविज़न ही करते हैं, लेकिन इससे पहले खुद इन्होंने खेती की है। प्रियंका जी, ये आपने यहाँ पर कौन कौन से बीज रखे हैं और ये क्या है? जी, यहाँ पे हम लोग अपने बीज खुद बना रहे हैं क्योंकि सफ़ेद चने पंजाब में कोई नहीं लगाता, तो हम अपने बीज खुद बना रहे हैं क्योंकि उसको अडॉप्ट करने में, अडॉप्ट होने में टाइम लगता है। तो ये हमारे पिछले साल से पिछले साल के बीज हैं जो हमने इस बार बीजे और उनको हमने बेचा नहीं है, सिर्फ बीज के लिए रख लिया। तो और अच्छे निकाल लेंगे हम। और यहाँ पर कौन कौन से बीज पड़े? हाँ जी, ये सरों हमारी 12 साल से चल रही है जी, वही सरों है। और ये काले चने हैं,
ये हम 4-5 सालों से लगा रहे हैं काले चने, तो ये 4-5 सालों के बीज हैं। और हम सबको बचाने के लिए यहाँ पे नीम रखी हुई है ताकि वो यूज करते हैं। अच्छा, ये बाजरा है, ये भी हमने सीड्स के लिए बचा के रखा हुआ है। सबको बचाने के लिए इसके अंदर सब में नीम डाला हुआ है। मकई रखी हुई है यहाँ पर, हमने देसी बीज रखे हुए हैं अगले साल अब बीजने के लिए। अच्छा जी, हमने आज अपने पहले ही रख लिए हैं। अच्छा जी, हाँ जी, पहले ही हम ये रख चुके हैं। हाँ जी, बीज हमने वैसे तैयारी कर ली है, पिसाने के लिए साफ है। अच्छा, इसका पिसाई शुरू हो जाएगी, पर बीज हमने पहले ही देसी इकट्ठे कर लिए हैं अपने लिए। अच्छा, तो यहाँ पे और भी जैसे ये आलू इस तरफ आलू दिख रहे हैं जी, हाँ जी। और ये लहसुन दिख रहा है, ये सारी चीजें ऑर्गेनिक अपने बीज के लिए रखे हुए हैं। हाँ जी, और ये लहसुन का, तो हम लहसुन का नमक बनाते हैं इसमें छील के। अच्छा, इसको सुखाते हैं। ठीक है, तो इसमें सबको मिल भी जाती है, सबको दिहाड़ी भी मिल जाती है। अब लहसुन छीलने वाले आएंगे और लहसुन छीलेंगे, उसके बाद हम सन ड्राई करके इसको ड्राई करके फिर इसको पिसाई होती है, फिर हम एक नमक बनाते हैं जैसा कि हम सीजनिंग यूज़ करते हैं मार्केट में पिज़्ज़ा पे डोमिनोज वाले। प्रियंका जी, यहाँ पर आपने ये जो प्रोसेसिंग यूनिट लगा रखा, आप अचार, मुरब्बा और स्क्वैश और ये यहाँ सारी चीज़ें यहीं पर बनाते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल जी, हाँ किचन में, यही किचन में बनाते हैं हम। उस वक्त किचन में जिस वक्त कोई नहीं होता उसी वक्त ये काम करते हैं, उससे पहले सारी किचन साफ करके फिर हम ये काम शुरू करते हैं। तो कुछ आज अपनी खेती के दर्शकों को कुछ लहसुन का अचार बना के दिखा सकती हूँ? लीजिए लीजिए। ये काट लिया जैसे लहसुन मैंने, हाँ जी हाँ जी। उसके बाद प्रोपोर्शन में रेशोस के हिसाब से इसके अंदर, जैसे मैं अगर इतना सा ही आपको दिखाऊं, हाँ जी, तो मैं आपको बताती हूँ इसमें मैं डालूंगी थोड़ा थोड़ा सारा कुछ। हाँ जी, ये इसमें राई है। ठीक है जी, तो ये सारा कुछ ऑर्गेनिक अपने फार्म से? हाँ जी, खुद का उगाया हुआ है। ठीक है जी, राई खुद उगाई है। ठीक है जी, सौंफ खुद उगाई। तो आप जैसे देख रहे हैं कि जैसे ये सौंफ है, राई है, मेथे है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो ऑर्गेनिक वे से आपके पास आती हैं। और ये अचार आप अभी खुशबू देखिए, अभी जैसे अभी डालना शुरू किया है, बिल्कुल जी बहुत अच्छा। यहाँ पे अभी देखा आपने कि जैसे जो जो इसके बाद जो डालना है वो धीरे धीरे सारा कुछ डाल रहे हैं। अभी आप देखिए यहाँ पे जो जो पूरी चीज़ें, सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पे जो पूरी चीज़ें हैं ये सारी ऑर्गेनिक हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी, यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा अभी यहाँ इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला है, कुछ नहीं किया हुआ। ठीक है जी, ये सिर्फ तेल जो और नमक है वो एक अच्छा प्रिजर्वेटिव रहता है। इसके अंदर कोई केमिकल नहीं डाला, कोई इसमें सिरका नहीं डाला है, कुछ नहीं किया हुआ। और इसके अंदर जो खुशबू है, हाँ, बिल्कुल जी, वो तो आपने मसालों की है, वो तो आपने जैसे ही खोला तो तभी से पता चल रहा है। तो ये देखिए ये बहुत अच्छी बातें जो निकल कर सामने आ रही हैं कि यहाँ पर इन्होंने छोटा सा प्रोसेसिंग यूनिट अपनी रसोई को बना रखा है और वहीं से ये पूरा ऑपरेट करते हैं और लोगों के लिए अच्छा ऑर्गेनिक यहीं से बन के जाता है ताजो लोगों की सेहत को नुकसान ना हो। तो अपनी खेती के जरिए आप उन लोगों को क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे जो अपनी बेटियों को बोझ समझते हैं और दूसरा जो ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं हालांकि वो मन नहीं बना पा रही? बेटियां बोझ नहीं है, उनको पढ़ाएं लिखाएं, उनको उड़ने के लिए पंख दें, वो सब कुछ कर सकती हैं। और ऑर्गेनिक खेती वालों के लिए मेरे पास एक ही मैसेज है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि आने वाले टाइम में तो हमारी धरती माँ ने हमको कुछ भी नहीं देना, इसीलिए हमारी खेत का नाम भी मदर अर्थ ऑर्गेनिक फार्म है, क्योंकि एक माँ है। तो आप अपनी खेती के साथ जुड़िए और हमारे जो ऐप हैं उसके ऊपर आप विजिट करिए, आपको जो पूरी जानकारी है वहाँ से मिल जाएगी।